हमारे संविधान ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए, टीएमसी हाईकोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। 1 जून को आपका एक वोट इन खतरनाक इरादों को रोकेगा। हम सुरक्षित और विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। साथियों, आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बसाना है। जो हिंदू सन्यासी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती, लेकिन आप चिंता मत करिए। 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। हमारे मतुआ समाज, नाम शुभ्र समाज को उसके अधिकार मिलकर के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी ने बंगाल और क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं, ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। हमने यहां 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाई है। हम कोलकाता पोर्ट के कंजक्शन को भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को बंगाल में मजबूत करिए, आपकी हर अपेक्षा बीजेपी ही पूरा करेगी। साथियों, इस बार आपका एक वोट देश की राजनीतिक दिशा भी बदलने का काम करेगा। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। साथियों, हमारे साथ यहां मंच पर
बीजेपी के 3 प्रत्याशी उपस्थित हैं। मथुरापुर से श्री अशोक पुरकायत जी, जयनगर से डॉक्टर अशोक कंडारी जी और डायमंड हार्बर से अभिजीत दास बॉबी जी। मेरा आग्रह है, इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इन्हें दिया हुआ आपका वोट मेरी शक्ति बढ़ाएगा। मैं रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और मैं बंगाल के लोगों का भी जो उत्साह, उमंग और समर्थन दिया है, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आज की मेरी अंतिम सभा, इस चुनाव की अंतिम सभा का आखिरी दौर है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने कहा था ओ आमार देशेर माटी, ओ आमार देशेर माटी, तोमार पूरे थेके माथा तो माथा।